लव्स यू हुआ था और मैं बिल्कुल ही कैसे मैं उठी गई वो डबिंग कराने, मुझे याद है। और किसी ने नीचे लिखा हुआ कि नशे करके बैठी हुई है और इस तरह। मैं तो वैसे जरा स्लो बोलती हूँ, मैं जरा तुम्हारी मेरा आवाज भी तो मेरी ऐसे नेजल, झूमती हुई आवाज हाँ, मेरी लेकिन नेजल और नेजल भी है क्योंकि मेरा साइनसाइटिस भी है। सो इसलिए मेरा तस्वीरों में मुंह खुला होता है, क्योंकि मैं आम भी बैठी हुई है मेरा मुंह खुला रहता है। बचपन से ऐसे था कि मुंह बंद करो नहीं तो मटकी चली जाएगी। सो मेरा हमेशा से नेजल प्रॉब्लम रहा है, तो मैं थोड़ा सा दिस ओ माई माउथ इज ऑलवेज। अच्छा जी, कपड़े बुरे पहने हो तो मुंह क्यों खुला? अबे यार तेरा क्या जा रहा है? मतलब इसीलिए मैं ज्यादा इंटरव्यू दे रही थी। फिर मैं बोलती हूँ, फिर मैं बोल दूंगी, फिर वो शुरू हो जाएंगे, जान दे घर वेख दे, या चलो जी बैठ जाओ निकालो आजमान के देखें इसने क्या क्या अपना किया है। नहीं, और मतलब नहीं, पॉजिटिव ज्यादा आता है टू बी ऑनेस्ट। आई एम जस्ट बींग रियली नेगेटिव हियर फॉर सेइंग दैट, बट वो तंग करते। देखो जो बीमार नहीं होता है ना उसको ज्यादा लगता है। मतलब हर वक्त नशे करके एक्टर नहीं बैठे होते। अब मेरी शादी थी, ठीक है। अब एक तो जो सारे मैं फिल्म की शूटिंग करा रही हूँ, 3 दिन पहले मुझे घर वापस आने की। अब रात को अगले दिन सहंदी थी, रात तक हम काम कर रहे थे, तो बड़ी देर ही से मैं सोई हूँ। और सुबह उठ के जल्दी जल्दी, अब समझ नहीं आ रही कैसे कर सकूंगी सारा काम। वही तो चेक शेक लिख के देने अपनी शादी की, वो बट आई डोंट शदीद दी किसी, आई डोंट थ्रो इट इन पीपल्स फेस, बट मैंने बहुत काम करने होते हैं। तो वो कर करा के, अच्छा जी अब कैसे गुजारा कैसे होगा? एक वो एनर्जी ड्रिंक है वो मैंने चढ़ा के, मैंने कहा चलो ऐसे में शादी हो जाऊंगी। तो वही हुआ, मैं जब शादी में पहुंची, आई वाज सो हाइपर, वहां मैं हंसी जा रही हूँ और पागल हो रही हूँ, सो रही हूँ। और इवन जब मैं वो निकाह मेरा साइन हो रहा था, ना मेरी बहन वॉज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग क्रैकिंग जोक्स, पक्की बात है अभी भी साइड से निकल रहा और निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। अब मुझे ऑब्वियसली उस बात पर हंसी आ रही, लोग नशे करके बैठी हुई है। व्हाट? बैठा हुआ है यार, खुदा का खौफ करो। मतलब खुदा का तो खौफ नहीं है, जो ऐसी बकवास करते हैं उनको लगता है कि उन्होंने मरना नहीं है, ऐसे कुत्ते की मौत मरेंगे ना। ये सोचो कि मैं इतनी बीमारी के बावजूद 15 साल से, लुक एट मी, आई मीन It's been 15 years. हाँ, आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट यू इडियट्स, बट आई एम स्टिल यू नो वेयर एवर आई एम, भाई अल्लाह का शुक्र है मे बी कुछ खुदा का खौफ है। बट तुम लोग को शायद खुदा का खौफ नहीं है इसलिए तुम घर पे पड़े सड़े हो। When did you find out that you have MS? Just when we were supposed to start shooting for and this is water by the way. ये देखो ऐसे ऐसे पानी। अच्छा, तो जब खुदा के लिए की शूटिंग कर रहे थे, छुट्टी होनी थी, तब हो गया डायग्नोसिस तभी। एंड देन आई थिंक फर्स्ट रिलैप्स तो कहीं। और MS में होता क्या? सब कुछ, जिस तरह खुदा के लिए की शूटिंग में जब हम उधर गए हुए थे पारा चनार, वो जो हमारा माउंटेन एरिया में गए हुए थे, तो आई वॉज ब्लाइंड इन वन आई। खास तौर पर जब मैं वो पहन के घूम रही हूँ, शटल कॉक बुर्का भाग रही हूँ, आई वॉज ब्लाइंड इन वन आई। लाइक ब्लाइंड ऐसे होता है कि अक्सर सिर्फ ग्रे हो जाता है, बट एट दैट टाइम वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, डार्क ग्रे मुझे ब्लैक लगता था। बिकॉज वो कहते हैं कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं होती, बट आई थिंक दैट टाइम तो मेरा पूरा लाइक इट वॉज सो ब्लैक दैट यू नो आई डिडंट सी एनी ग्रे, कुछ लाइट का वो भी नहीं पड़ता था। या सो या आई गॉन लाइक आई हैड एक वन आई ब्लाइंड, आई थिंक आई हैड अबाउट 7 or 8 times। और यू नो यू नमनेस हो जाती है पूरी बॉडी में कभी, मतलब एक हाथ तो हुआ ही रहता है, कोई एक पार्ट ऑफ योर बॉडी नम हो ही रहती है। सो वो हो जाता है, फिर मुझे साथ फिटीक बहुत होती है, एक्सट्रीम वेदर्स बर्दाश्त नहीं होते हैं, और यार इतने सारे कि क्या क्या, वर्टिगो भी होता है उससे, डिप्रेशन भी हो जाता है उससे ज़्यादा। बट यू आर फाइटिंग इट सो ब्रेवली। आई मीन मैंने कभी तुम्हें सल्व करते हुए नहीं देखा। फोन भी करें तुम्हारी तबीयत खराब हो तो तुम बस आराम से कहती यार अब तबीयत खराब है, हो गया है। हाँ तो हो गया तो फिर और क्या करें। इवन व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड, आई मीन डॉक्टर आमिर इकराम मेरे न्यूरोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने जब मुझे कहा कि यू हैव दिस इनक्योरेबल डिजीज, तो मैंने कहा वो एंड इट्स कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दैट साउंड सो कूल, कुछ से बोला भी नहीं जाएगा ये। आर यू ओके? आई थिंक नहीं, दिस सो कूल, मेरा एक्सक्लूसिव राइट्स है अभी तो मेरे पास MS की, किसी को पता भी नहीं वो क्या होता है। आई बी सो कूल एंड यू नो आई शो द वर्ल्ड हाउ स्ट्रांग आई एम। लाइक
उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के जोड़ा, ठीक हो जाओ, यू हैव गॉन इनटू डिनायल. आई वाज लाइक, होल्ड ऑन, आई एम नॉट इन गॉन इनटू एनी डिनायल. आई वाज लाइक, यू जस्ट सेड आई हैव एन इनक्यूरेबल डिजीज, सो आई कैन ईदर गो इन दैट, सिट इन दैट कॉर्नर एंड स्टार्ट क्राइंग एंड दैट्स नॉट गोना मेक इट एनी बेटर, और आई डिसाइड टू जस्ट यू नो टर्न इट इनटू अ जोक. सो यू नो, और तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है. सो आई थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन, दैट आई टर्न इट इनटू अ जोक एंड आई सी इट, सी द थिंग्स दैट नो वन एल्स कैन सी, दैट यू नो इट्स गोना बी ऑल in a super cool, because I was cool also, because in, you know what I'm saying, kya cool hai usme ke, aur kabhi tab tak kisi ne multiple sclerosis ka naam hi nahi suna tha, wo jo zeher wale gareeb log nahi hai, असल में ना इसको एड्स हो गई है, और वो जाहिल लोगों को एड्स से आगे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी खुद इतनी घटी और गंदी और लिमिटेड सोच है कि उनको इसलिए सिर्फ एड्स का ही पता हो सकता है, ये उनकी लिमिट है मैक्सिमम इन इन उसकी, मतलब कोई भी इनक्योरेबल डिजीज हो तो वो एड्स होगी. और बाय द वे, इनक्योरेबल एड्स आई डोंट थिंक इनक्योरेबल रह गई हुई है, हां, एनी मोर, या तो वो मतलब जैसे कि मैंने कहा गलाजत. So yeah, but some people even said that. Or, नहीं, आपको तो कैंसर था ना, मैंने कहा यार जाके बकवास में पढ़ ले है क्या, बात पढ़ना नहीं है ना मसला, ये पढ़ना ना पै जाए, कितने आप ना काम करना ना पै जाए. ये मेरे बहन का एक फ्रेंड है, वो जहाज में मुझे मिल गया, वो होता पायलट है, नाम नहीं लूँगी, पीपल वुड नो. तो आ गया, तो तुम्हें क्या MS क्या होता क्या उसमें, मैंने कहा अभी मुझे ना मेरी तबीयत खराब है. And I don't want to talk about it. Talk to me about anything else. I don't want to talk. नहीं नहीं बताओ ना होता क्या है. डेढ़ घंटे की फ्लाइट पे उस आदमी ने 45 मिनट मुझसे नॉन स्टॉप ये बका है. And you're telling him you're not well. मैंने कहा I'm not well and you know thinking about it makes me depressed. So मैंने बताया, मैंने कहा देखो यहाँ यहाँ जाके आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं, गूगल पे इतने पेजेस आ जाएंगे आपको. नहीं, वो बंदा नहीं माना. फिर मैंने उसको झाड़ा और कहा गो बैक टू योर ब्लडी सीट. तो बाद में अपनी गुड़िया को, मेरी बहन को आके, आए तुम्हारी बहन तो पागल हो गई है, इतनी बदतमीज है. उसने कहा हुआ क्या, मैंने फिर बहन को आके बताया. मैंने कहा ये कोई हरकतें करने वाली कोई बीमार इंसान है आपकी, अच्छा तुम्हें कैंसर है, कहाँ का है, कितनी दर्द होती है, कितनी दफा होती है, अच्छा ये भी तुमने सोच, व्हाई डू पीपल डू दैट, जहालत. No, they enjoy it. Inconsideration. हाँ, maybe they just want to hear it that, oh, thank God we don't have it. You know, घर जाके बाद में अल्लाह का शुक्र है, हमें तो अल्लाह ने बचाया है. You know, पुपियों वाली हरकत है ऐसी. हाय अल्लाह, तू ते बड़ा हाथ दे के बचाया मैंने. तो वो अपने उसके लिए, so what else? I mean, if somebody is saying I don't want to talk about my illness, I'm not feeling well, I don't want to maybe talk right now. अच्छा बाबर की बताओ, वो कहाँ मिला? हाँ, बाबर एक दोस्त के घर मिल गया था. एक जो हस्बैंड था जिनके घर हम रहते थे, कपल फ्रेंड था, तो वो हस्बैंड बाबर का एजिसोनियन फ्रेंड था. आपको पता है वो एजिसोनियन होते हैं बॉयज. अच्छा, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कितने लोग शादी के लिए थे और कितने लोगों को तुमने ना की, कितने दिल तोड़े. बाबर में ऐसी क्या खास बात थी? Babar may one of the things that he probably doesn't even like that much, but I liked his family a lot also. I liked him a lot. I mean, it's going to sound so elitist. I don't know if I should say. A, he could, you know, understand the words that I use. जो अंग्रेजी के कुछ लफ्ज होते हैं जिस तरह मैं बात करती हूँ, अक्सर ज्यादातर लोगों को नहीं पता चलता है. मैंने कहा यू माना, ठीक है, इसको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ. And you know, एक खानदानी पर नजर आ जाता है, एक के अच्छे बैकग्राउंड का, एक सही मतलब सॉर्टेड लड़का है. एंड आई डोंट नो, ही वाज अ स्टूपिड.